सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम हरमीत सिंह है। आज हर जगह टीवी पे आ रहा है कि हमारे जवान मर गए, 42 जवान मर गए, और बहुत ही दुख की बात है और हर कोई इसमें आक्रोश में आ रहा है। मैं दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिससे मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात समझ में आए तो आगे शेयर कर देना या आगे कन्वे कर देना मैसेज, नहीं तो कोई बात नहीं, चल तो ऐसे ही रहा। ये कश्मीर में ना एक 22 साल के लड़के ने मारा, ठीक है, वो यूथ था। तो यूथ भटक गया, तो वो क्यों भटका, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड था, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो सरकारें कभी भी नहीं बताती, सरकारी टेलीविजन तो मीडिया खैर हमारा वैसे ही बिका हुआ है। कश्मीर में एक धारा 370 का मतलब होता है कि हम लोग वहां पे, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, बॉम्बे वाले, मतलब ऑल ओवर इंडिया वाले, कहीं भी हम लोग वहां पे कोई जमीन नहीं ले सकते, ठीक है। हम वहां पे जाके कोई भी काम नहीं कर सकते, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कश्मीरी बंदा कहीं भी इंडिया में जाके कुछ भी कर सकता है। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ और मैंने कई ट्रांसपोर्टर देखे हैं कश्मीरी जो यहाँ पे इज्जत से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं खुद इनसे डील करता हूँ, एंड आई हैव नो इश्यू विद देम, वेरी गुड, दे आर डूइंग गुड। लेकिन हम वहां पे कुछ नहीं ले सकते। इसी तरह बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, अदानी है, अंबानी है, कोई भी है, मतलब उसके अलावा और भी गोदरेज वगैरह कोई भी कंपनी है, वो वहां जाके कोई जमीन नहीं ले सकती, कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकती, ठीक है। और इसलिए वहां पे ऐसा कोई डेवलपमेंट वाला केस है ही नहीं, जॉब है ही नहीं। हमारे ना ट्रक चलते हैं, जब हमारे ट्रक वहां जाते हैं ना, तो वो लोग वहां पे बच्चे, अनएम्प्लॉयड बच्चे ना, ट्रकों पे भी पत्थर मारते हैं। हम हर दूसरे चक्कर गाड़ियों में शीशे डलवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वी थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। हम ठीक है, हमें पता लग गया, हमें आदत है, ठीक है, क्योंकि मेरी गाड़ी कश्मीर भी जाती है। लेकिन जब उनकी गाड़ी यहाँ आती है ना, तो अगर रोड पे जैसे दिल्ली में कोई मिसहैप हो जाता है ना, तो हम उनको सपोर्ट करते जाके कि नहीं यार, ये दे शुड फील है कि दे आर इन अनदर कंट्री, दे आर इट्स ओन कंट्री, इट्स इंडिया ओनली, तो वी शुड सपोर्ट देम एंड दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 370 में यह है कि एक तो हम वहां कोई चीज नहीं ले सकते, दूसरा इंडिया से हर चीज वहां पे जाती है फ्री। आपको पता कश्मीर में बिजली का बिल कितना है, पानी का बिल कितना है, 70 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए, 130 रुपए, कोई जरूरत ही नहीं है। बासमती चावल जो 120 रुपए किलो आपको यहाँ मिलता है ना, वो वहां पे 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो सरकार देती है, FCI हर चीज देती है। बिरयानी वो लोग खाते ना कश्मीरी, कश्मीरी किसी के हाथ में ले रहा ना कभी भी, उसके हाथ ना पीले होते हैं, क्योंकि वो हल्दी बहुत खाते हैं, हल्दी खाते हैं, उनको पता हल्दी में एंटीबायोटिक है, ठीक है, कर्क्यूमिन है, जो कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है। हमें नहीं पता, उनको पता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि वो दे आर डिफरेंट, ठीक है, दे आर हमारे जैसे ही हैं। लेकिन हल्दी कहाँ पैदा होती है, गुंटूर में, साउथ में, ठीक है। मिर्ची का पैदा होती है वारंगल में, ठीक है। किशमिश खाते हैं ना कश्मीरी, कहाँ पैदा होती है, सांगली में, महाराष्ट्र में, ठीक है। खोपरा खाते हैं नारियल का, टिपटूर में, बेंगलोर से आगे टिपटूर जगह, वहां पे खोपरा बनता है जो एक्यूमुलेट होता है, और आगे जाके हम लोग उसको वहां दिल्ली में आता है, दिल्ली से हम उसको आगे जम्मू भेजते हैं, जो आगे कश्मीर में सारे स्प्रेड होता है। धंधा ऐसे ही चलता है। बासमती चावल MP में पैदा हो रहा है, हरियाणा में पेवा, कैथल, चीका, हर जगह पैदा हो रहा है, ठीक है। यहां से हम उसको आगे कश्मीर भेज रहे हैं, कश्मीर से आगे वो अफगानिस्तान तक जा रहे हैं वाया मुजफ्फराबाद, ठीक है, और उनकी बिरयानी खा रहे हैं, बासमती चावल खा रहे हैं, शेख तक खा रहे हैं, बासमती चावल हमारा है, हम उगाते हैं उनको, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है यार, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब माना सरकार कहती है धारा 370 ना नेहरू बना रहे थे, इसे लेजिटिमेट पॉलिसी की, वी कांट इंटरवीन इन देयर रीजन, दे आर पार्ट ऑफ अ कंट्री, करेंसी हमारी चलती है, सब कुछ हमारा चलता है, पाकिस्तान की नहीं चलती, पाकिस्तान उनको FCI नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपको कि मुसलमान ने नहीं मारा। कई लोग अब इसमें ना सियासी गेम खेलेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे कि मुसलमान ने मार दिया, ये कर दिया, मुसलमान ने नहीं मारा, अनएम्प्लॉयड यूथ ने मारा, वो यूथ कोई भी हो सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जनरेट करनी वहां पे। आपको पता है लखनपुर बॉर्डर है, जैसे हमारा बॉर्डर है ना, हम कश्मीर जाते हैं, एंटर करते हैं, जगह आती है लखनपुर, लखनपुर बॉर्डर में अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी गुड्स भेज रहे हो ना, ठीक है, तो आपको 1 रुपए पर किलो टोल देना पड़ता है, एक तरीके का सरकारी टैक्स है, प्राइवेट। मतलब दिल्ली से अगर मैं कन्याकुमारी तक भी कोई माल भेज रहा हूं और 25 स्टेट आ रही है, कोई भी एक पैसा नहीं लेगा। कश्मीर में जैसे आप कुछ माल भेजते हो, 1 रुपए पर किलो, 100 रुपए क्विंटल, 1 टन का 1000, 15 टन का 15000, और हजारों लाखों टन माल रोज जा रहा है, और उसका वो टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। टैक्स लेके क्या कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं सब कुछ। अरे यार, जब वो बंदे काम ही नहीं करेंगे तो खाली दिमाग तो वैसे ही शैतान का घर होता है, तुम्हारी पॉलिसी गलत है, उनको काम दो ना, खोल दो दरवाजे साले, क्या कर लेंगे। 2500 जवान जा रहे थे, ठीक है, 2500 जवानों का आपको पता कॉन्वे का कितना करोड़ों खर्चा होता है, टैक्स हम लोग दे रहे हैं दिन रात मरा के। इंडिया के दिल्ली के यूथ को बोलो पत्थर मारे,
अबे कहाँ जा रहे, इनके पास टाइम नहीं है, सवेरे गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं जॉब के लिए, शाम को आ रहे हैं 11 बजे, अपने बच्चे पालेंगे, पत्थर मारेंगे, उनको खाने की दिक्कत है ना, हर चीज की दिक्कत है। अब स्मार्टफोन कश्मीरियों के पास भी है, आई एम अगेन मेंशनिंग इट, कश्मीरी गंदा नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट गंदी है, जो माहौल बना रखा है वो गंदा है। उनको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं देते आप, उनको बोलो ना कि फाइट करो जैसे हम लोग फाइट करते हैं। बिजनेस में कॉम्पिटिशन है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हर एक से अगरवाल 10 बंदों से, मैं चलो किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, 10 बंदों से मैं कॉम्पिटिशन करता हूँ, रोज मरते हैं, रोज जाते हैं, रोज कुआ खोते हैं, इनको मेहनत करनी ही नहीं। 70 रुपये बिजली का बिल है, 3,000, 4,000, 10,000, 15,000 दिल्ली में घरों का बिल है, बॉम्बे में करोड़ों रुपये में इतनी सी खोली मिलती है, फैसिलिटी तो आपने खुद दे रखी है, क्यों दे रखी है फैसिलिटी यार? उनको इको स्टेटस दो ना, उनको लेके चलो कि हाँ भी ठीक है, जैसे हम लोग सारे चल रहे हैं आपको भी चलना पड़ेगा। तो रूट कॉज ये है कि धारा 370 खत्म करो, जब तक ये धारा खत्म नहीं होगी ऐसे ही चलता रहेगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जब तक उनका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा यूथ का, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, वो बस ऐसे उल्टी सीधी 5,000, 10,000, 20,000, उस बच्चे को क्या पता, उसको दिया होगा किसी ने 50 लाख रुपए, दे देंगे तुझे, उसको पता मैंने सारी उम्र में 50 लाख नहीं कमाना, दे देंगे 50 रुपए, जा खुद भी मर जाओ और लोगों को भी मार दे। तो सरकार की पॉलिसी गलत है, नेहरू वेहरू चले गए, अब वैसे भी नेहरू जिन्ना किसी की इज्जत नहीं कर रहे, उस पर जोक ही बना रहे हो, तो उनकी पॉलिसी को लेके मत करो। बच्चे जिसके मर रहे हैं ना उनको पता, दीनानगर का वो जो लड़का मरा है वो मेरे काफी जानकार है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे को उसका, मेरे को सबका, यूपी में एक है मेरा ड्राइवर है, उसके चाचे का लड़का कहता है भाजी छुट्टी जाऊं मैं ऐसे, मतलब मेरे से तो क्या पूछना, बेचारा चले गया डेड बॉडी के, कहता भाई अंतिम दर्शन कर रहा हूं, तो पूरा देश हिल गया, लेकिन सरकारें अभी भी अपनी सियासी रोटी सेक रही है। तो दोस्तों ये धारा 370 खत्म होनी चाहिए, ये एक मैसेज आगे स्प्रेड कर दो, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो चलता तो यूं ही रहेगा यार। थैंक यू।